अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं जनाब फार्म के अंदर मौजूद हूँ। ये आप मेरे पीछे सारा सेट देख सकते हैं, बिल्कुल खाली है। इसके रीज़न मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले जो आज की मेन डिस्कशन है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक जो अंडे वाली मुर्गी होती है, एक एग लेइंग हैन जो होती है, उसको कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है जिसमें वो ईजीली परवरिश कर सकती है और उसको कोई डिजीज़ भी अटैक ना करे, सर्दी गर्मी से भी महफूज रहे। तो ये मैं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसको देखने के लिए वीडियो एंड तक लास्ट में देखिएगा। तो अब मैं आपको अपना ये फार्म का पार्ट दिखाती हूँ, ये ऐसा क्यों है। तो जनाब ये देखेंगे जो है, ये हमारे जो फार्म का है, ये तीसरा वाला पोर्शन है और ये आपको खाली खाली सा नज़र आ रहा है। तो वो इसलिए है कि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि हमारा जो सेकंड वाला पोर्शन था वो खाली था, उसकी जो हैंड्स थी वो नेक्स्ट में मूव कर दी थी और फिर हमने इसकी बहुत सेकंड वाला जो पोर्शन था उसकी बड़ी अच्छी सी क्लीनिंग की थी, तो फिर हमने ये वाली हैंड्स इधर मूव कर दी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना मसला क्यों था इनको इधर इधर मूव करने का। तो मूव करने की जनाब रीज़न ये थी कि ये जो हमारा फार्म है ये सूटेबल है फॉर 6,000 बर्ड्स, ठीक है, मतलब 6,000 अडल्ट बर्ड्स के लिए ये सूटेबल है। बट इस टाइम हमारे पास जो हैंस मौजूद हैं आफ्टर सेलिंग ऑफ आवर रोस्टर्स, इस टाइम जो हैंस मौजूद हैं वो है ऑलमोस्ट 3,200 हैंस। तो 3,200 हैंस के लिए अगर हम ये पूरा जो है ये फार्म रिज़र्व कर दें तो ये गलत बात है, ये सूटेबल जगह नहीं है उसके लिए। आगे वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है और ठंड आनी है, तो ठंड में इतनी खुली जगह देने से आपके जो बर्ड है उसमें डिजीज़ आ जाती हैं, उसको ठंड लग जाती है, ठंड से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। तो इस वजह से है कि हमने इसको फ़िलहाल हमने उधर कर दिया। ये अब यहाँ पे जो कुछ रह गई हैं ये एज़ यूजल रात के अंधेरे में इन्हें वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, और क्योंकि ये दिन में तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इनको हाथ लगाने गुनाह होते हैं, पीछे पीछे इनको भागते रहो लेकिन ये किसी के हाथ नहीं आती। तो ये हमने वहाँ से इनका डोर खोल के जितनी खुद ब खुद ये चली गई थी भगाने से वो जा चुकी हैं, ये वाली जो हैं ये खुद ब खुद नहीं गई हैं, इन्हें बाय हैंड उठा के तो उधर डालना पड़ेगा। तो वो रात का काम है इसलिए ये अभी यहाँ पर आपको घूमते फिरते नज़र आ रही हैं। उसके अलावा आपको ये शेड बहुत गंदा नज़र आ रहा होगा, हर तरफ ये जो है ये पर गिरे हुए हैं और बिल्कुल गंदगी छाई पड़ी है। तो वो भी इसीलिए है कि ये जैसे यहाँ से चले जाएंगे फिर हम इसको डिटेल क्लीनिंग करेंगे। वैसे इनकी वीकली क्लीनिंग होती है लेकिन आप समझ सकते हैं कि बर्ड की मौजूदगी में उस तरह से क्लीन नहीं किया जा सकता, फिर डस्ट का भी मसला होता है, डस्ट से भी बीमारी बनती है। तो इस वजह से अब भी ये वहाँ पर चली जाएंगी तो ये सेक्शन जो है ये हमारा फुली फ्री हो जाएगा। इसकी हम डिटेल क्लीनिंग करेंगे, इसकी पूरा जो है वो फ्लोर बराबर और अच्छे से साफ़ सुथरा करेंगे। तो फिर माइट बी पॉसिबल कि हम इस पर कोई और डे और चूज़ा हम इस पर दोबारा डालें, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट। मैं जस्ट एक आइडिया है, मे बी ऐसा करें, एक प्लान है। प्लान तो आपको पता सब बनाते हैं लेकिन जो बिग प्लानर है वो अल्लाह है। तो अब अल्लाह अगर जाने अगर हमारे हक में होगा तो हम ज़रूर करेंगे, यहाँ पर हम डे और चूज़ा हम दोबारा से डालेंगे और उसको हम तैयार करेंगे। तो खैर ये हैं अभी उसके, ये तो बाद के प्लान है, क्या होता है क्या नहीं होता ये तो तब देखा जाएगा। फ़िलहाल हम ये जगह हमारे पास खाली रहेगी, हम इसको नीट क्लीन करेंगे। क्योंकि ये अब बात उस पर आ जाते हैं कि मुर्गी को जगह कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो जनाब एक मुर्गी जो होती है, एक एग लेइंग हैन जो होती है, मींस यंग हैन जो होती है, उसको 1.5 स्क्वायर फीट जगह रिक्वायर्ड होती है एक मुर्गी के लिए। ये इनफ होता है उसके लिए कि इसमें उसको कोई डिजीज़ भी नहीं लगती है, वो बड़ा सिक्योरली सेफ़ रहती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं बनता है और इसमें अच्छे से वो अंडा भी दे सकती है। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा जगह देंगे, अंडे मोस्टली सर्दियों के सीज़न में लिए जाते हैं, तो सर्दियों के सीज़न में इन्हें वैसे भी जो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओपन शेड है, कंट्रोल शेड तो है नहीं है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हमने खुद ही मैनेज करना होता है। तो सर्दियों के सीज़न में भी इन्हें एक टेम्परेचर जो है, एक जो ये जितना डिज़ायरेबल जो टेम्परेचर है वो इन्हें देने के लिए ये मुर्गी को इतनी ही जगह रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि इससे वो साथ साथ रहती हैं, दूसरे से हीट अब्जॉर्ब करती हैं
और फिर हीट उनसे बनी रहती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुद ही हीट सारी बना लेती हैं, बट्टियाँ जलानी पड़ती हैं और उनका खर्च जो है वो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन इससे सिर्फ थोड़ी सी बेहतरी आती है। बट्टियाँ जलाना, उनको जलाने का प्रोसेस, उनका खर्च, उनका टेम्परेचर मैनेज करना, ये मैं आपको फिर किसी दिन इस पर कम्प्लीट वीडियो बना के मैं आपको बताऊँगी। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि एक मुर्गी को 1.5 स्क्वायर फीट जगह जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। हाँ, अगर सीज़न जो है गर्मी का है, मई जून है, मज़ीद शदीद किस्म की गर्मी है, तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि आप इनको जो है ज़्यादा जगह दे दें, क्योंकि वो फिर इनके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन ज़्यादा से मुराद बहुत ज़्यादा नहीं है, ये है कि 2 से 3 स्क्वायर फीट अगर आप इनको दे दें तो इनके लिए बेहतर है। मज़ीद इससे भी ज़्यादा जगह देंगे तो ये वेट गेन भी नहीं करेंगी, ये वॉक ज़्यादा करती रहेंगी, तो अंडे का साइज़ भी अफेक्टेड होगा और वेट गेन भी नहीं होगा। तो जनाब ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। इसके अलावा अगर आप कुछ बात कोई डिस्कस करना चाहें या कुछ आपके पास कोई इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट में लाजमी बताएँ, कमेंट लाजमी किया करें, और अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे फार्म के लिए भी दुआ गो रहें। अल्लाह सबको कामयाबियाँ अता करें जो भी काम चल रहे हैं, जो भी हलाल तरीके से अपना रिस्क कमाना चाह रहे हैं। खैर मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।